Join Real Concept Institute. This is number one institute for entrance test preparation. Here you can prepare for PBA, PCOM, Law, PCA, and various entrance exam. Join us today and get 25% discount. Call us 9899382196. DU JET 2020. बहुत से बच्चे वेट कर रहे हैं DU JET के बारे में जानने का कि भाई इस बार एग्जाम कैसे होगा, पैटर्न चेंज तो नहीं हुआ है, कितनी सीटें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न में एग्जाम में क्या क्या आता है, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो में। ठीक है, मैं आप सभी का करता हूँ स्वागत मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग बेटा जानने वाले हैं DU JET के बारे में 2020 का जो होने वाला है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि इसके फॉर्म निकलेंगे पहले इस बार और इसका जो एग्ज़ाम है वो होगा 2 जून और 9 जून के आसपास और इसके फॉर्म्स निकल जाएंगे 2 मार्च के बाद। बट अभी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आती, तब तक हम आपको कुछ नॉर्मली बताएँ कि भाई क्या क्या हो सकता है। कुछ अभी कन्फर्म नहीं है बट हम फिर भी आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपके DU JET के बारे में। तो सबसे पहले जान लो कि भाई DU JET के अंडर 3 कोर्स हैं मेन, सबसे मेन जो सबसे ट्रेंडिंग कोर्स हैं वो कौन कौन से, वो है आपका BMS जिसकी 553 सीटें हैं, BBFIA जिसकी 136 सीटें और आपका BBE जिसकी 473 सीट्स हैं। ये 3 कोर्स हैं आपका BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड BBE बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये 3 कोर्स को DU के 18 कॉलेज ऑफर करते हैं। ठीक है, तो अब इन 3 कोर्सेज के लिए क्या क्या होता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके पास क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे कट ऑफ का सीन नहीं है कुछ कि भैया इतने 90% आगे, नहीं, आपके पास कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए ये सब आपका, क्योंकि नाम ही इसका एंट्रेंस, ये आपका DU का एक एंट्रेंस बेस्ड कोर्स है। इन कोर्स बैठने के लिए, इन कोर्स में एडमिशन के लिए आपको बेटा एक बढ़िया से एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना होगा, तब जाके मिलेगा आपको DU में एडमिशन। सो अगर हम बेटा बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, तो जनरल्स कैटेगरी के पास, जो लोग जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हैं उनके पास में 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए, उनके पास में इंग्लिश होनी चाहिए, उनके पास में मैथ्स होनी चाहिए और 2 सब्जेक्ट होने, मतलब इंग्लिश मैथ्स कंपलसरी है, 2 सब्जेक्ट हों। कौन कौन से, जैसे मैंने बोला आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, कुछ बच्चों के पास आर्ट्स में मैथ्स भी होती है, कुछ बच्चों के पास मैंने बोला कॉमर्स है तो उनके पास अकाउंट्स बिजनेस है, या उन बच्चों के पास में लाइक आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स इंग्लिश है, मतलब उन बच्चों के पास में 4 सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिनका 4 का एग्रीगेट आपका 60% आपका बनना चाहिए। ठीक है, सेम चीज SC ST वालों के लिए, बट उनको 55% मार्क्स ही होते हैं इंग्लिश मैथ्स और 2 सब्जेक्ट, एग्रीगेट चाहिए 55%, इन्हें चाहिए 60% और जो OBC उनको चाहिए 54% अगर उनके एग्रीगेट है, उनके पास इंग्लिश मैथ्स और 2 सब्जेक्ट्स हैं जो सेम इनके पास थे, तो आप एलिजिबल हो इसके एंट्रेंस को देने के लिए। एक और चीज़, अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई है तो आप उस साल उस एंट्रेंस को नहीं दे सकते। दूसरी बात, नो मिनिमम एज बार, कोई ऐसा नहीं कि 16 साल तक की हो तो नहीं, कोई इसकी एज नहीं है। अभी आपने 12 पास की है तो आप एलिजिबल हो इसको एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, लेकिन ये 3 शर्तें, अगर आपकी ये 3 शर्तें आपने समझ ली हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बेटा बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जब इनका टेस्ट बनेगा, जब अपना ये अपना रिजल्ट निकालेंगे, तो आपके एंट्रेंस से लेंगे 65% और आपका 12th का स्कोर लेंगे 35%। हालांकि कुछ सालों पहले तक इस DU JET में आपका GD प्लस PI भी था, पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन, इस साल ही हट गया था। अब देखने इस साल जो नया आ रहा है आपका, जो आपका नया सेशन होगा 2020 में, उसमें देखना है कि ये होता है या ये नहीं होता है। जहां तक गारंटी बात है, ये बेटा इस बार भी नहीं होगा, GDPI नहीं होगा। ठीक है, बाकी देखते हैं, हमारे नेक्स्ट वीडियो लिखते रहिएगा, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे बेटा। आपको आप फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है लिंक इंस्टाग्राम का, वहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को लेकर। नेक्स्ट, अगर हम बेटा सब बात करते हैं सिलेबस की, तो देखो सिलेबस अगर हम बात करें तो इसमें आपकी आती है इंग्लिश बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश है आपकी रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग और क्वांट्स यानी कि मैथ्स, तो ये 4 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी वेटेज 20-20, 30-30 की, कुछ कह रहे हैं 25-25 की है, तो देखो पढ़ना सब कुछ है आपको, वेटेज से मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपने ये चारों चीज़ें ढंग से पढ़ी हैं या आपने ढंग चीज़ें आपसे नहीं ढंग से पढ़ी हैं। ठीक है, टोटल आपके सवाल होंगे 100 सवाल होंगे आपके, एक सही आंसर करने पे आपको मिलेंगे 4 मार्क्स,
एक गलती करने पे आपका एक नंबर कट जाएगा। आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो मतलब आपका जीरो मार्क्स। 2 घंटे का आपका होगा ये पेपर, DUJET का आपका 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अगर हम बेटा एक्सपेक्टेड फीस बताऊं मैं आपको, तो OBC और जनरल्स के लिए फीस रहती है 500 से 700 के बीच इनकी फॉर्म फीस, और SC ST के लिए रहती है 250 से लेके 500 के बीच आपकी इनकी जो आपकी वो फीस रहने वाली है, ठीक है। ये आपकी बेटा फॉर्म फीस है आपको ये एक्सपेक्टेड। और लास्ट में मैं आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात कहूँगा कि अगर आपको DUJET के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आपको BBA, HM, BCom Honors, Law, BLED, BGMC, BCA, BMS, BBE, आप अगर आपको इन सब की एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे एडमिशंस ओपन है। आप इन दोनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे से इंफॉर्मेशन, फीस स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में। और लास्ट, जब आपने फॉर्म फिल कर दिया है, आपने एंट्रेंस दे दिया है, अब क्या होगा, अब बेटा आपका आएगा रिजल्ट, प्लस रैंक मिलेगी, प्लस काउंसलिंग सेशंस होंगे आपको। जिन कोर्सेज में आपका बेस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉट कोर्स जो आपका वो अलॉट होगा। आई होप कि आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आई हो। आगे बेटा हमारी ऐसी शॉर्ट वीडियोस आते रहेंगी जो बेटा आपको हेल्प करेंगी आपके एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट को क्रैक करने में, आपको DO में कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, इस बार हम लोग बेटा उस पर भी काम करेंगे। बेटा फॉलो कीजिए मुझको इंस्टाग्राम पे, बाकी अपडेट्स के लिए मिलते हैं आप सभी से हमारी नेक्स्ट वीडियो में।